नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। एक मानक अक्षांश के एक भाग को हमने कल कर लिया था, आज द्वितीय भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लगातार आप देखिएगा कि अपने किस प्रकार से एक मानक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना गणितीय विधि की सहायता से या ज्यामितीय विधि की सहायता से अपने कर पाते हैं। अब आप चाहे तो इस पी ए रेखा पर 4.57 लिख दें, चाहे तो जिस सूत्र का प्रयोग हुआ है आर कोट थीटा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आर कोट थीटा। फिर देखिए एक ट्रायंगल और है जो हमारे इस ई ए दूरी को बताएगा। देखिए ये है ई, यानी कि 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो मध्य में से यानी केंद्र से यहाँ तक, तो ये क्या हुआ हमारा आर। ठीक है, फिलहाल अब 45 डिग्री अक्षांश वृत्त बनाने के लिए हमें ये आर मानना होगा। तो ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी 45 डिग्री का आर है, यानी कि 45 डिग्री का अर्धव्यास है। तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए ये आधार, ये कर्ण और ये लंब क्यों मानेंगे। देखिए ये थीटा है, तो इसके विपरीत ये समांतर रेखा के बीच में जो तिर्यक रेखा है उनके तीनों तिर्यक रेखा के दोनों ओर के कोण जो है समान होते हैं। तो ये थीटा और ये भी थीटा होगा, यानी ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये थीटा है तो इस तरफ 90 माइनस थीटा है। ठीक है, कन्फर्म है। अब देखिए थीटा के सामने लंब है तो यहाँ पर लंब लिख दिया। अब देखिए सबसे लंबी भुजा कर्ण है तो ये हमने कर्ण लिख दिया। फिर देखिए सबसे लंबी भुजा कर्ण है, ठीक है। तो अब देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये रेखा आधार ही होगी। ठीक है, तो आधार आधार बटा में कर्ण, आधार यानी कि ई ए बटा में कर्ण, कर्ण यानी कि ए ओ। तो इसे आप जब आधार बटा में कर्ण उस सारणी में इसमें देखेंगे सूत्र में आधार बटा में कर्ण, तो ये है कोस थीटा के लिए यूज होता है, कोस थीटा। तो यहाँ ये कोस थीटा है तो प्राप्त क्या करना है अपने को, ई ए। तो ये ई ए यहाँ लिख दिया ई ए, ठीक है, और ये ए ओ इंटू में कोस थीटा। ए ओ यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 4.57, और इंटू में कोस थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45, कोस 45 का मान आप जब उसमें देखेंगे तो सारणी में 0.07071 आपको मिल जाएगा। तो शायद यही, तो 3.23, 3.23 सेमी, ये आपको यहाँ का अर्धव्यास प्राप्त हो गया है। ई ए की दूरी आपको प्राप्त हो गई है। अब देखिए ये इसके आधार पर यानी केंद्र से यहाँ तक की दूरी के आधार पर आप इस 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, इसके पीछे से इस तरफ। तो ये पूर्ण परिधि आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस ई ए अर्धव्यास यानी कि 45 डिग्री के अर्धव्यास के आधार पर आप पूरी परिधि का, 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की परिधि का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल कैसे किस प्रकार से निकलेगी, तो ये है 2
पाई आर 2 पाई आर कोस 45 डिग्री। तो ये आप 2 पाई आर कोस 45 डिग्री का सूत्र में इस्तेमाल करोगे तो आपको इसकी परिधि 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो 2 पाई आर 2 × 22 बटा में 7 × r कितना है 4.57। फिर देखिए आप कोस 45, तो इसी के आगे ठीक है, तो इसी के आगे कोस 45 का मान आप लिखोगे 0.7071। तो इसे हल करने पर आपको भूमध्य रेखा की नहीं इसकी परिधि की दूरी प्राप्त है, फिर है बटा में 7 20.31। तो ये आपको 20.31 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे इस अक्षांश वृत्त की जो पूर्ण दूरी है वो 20.31 आपको। यहाँ पर आपको जैसे ही ये 3.23 की दूरी ए ई की प्राप्त होती है तो इस सूत्र को आप यहाँ लिख सकते हो ए ओ यानी कि आर कोस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर कोस थीटा, तो ये रेखा आर कोस थीटा ठीक है होगी, चाहे इसी सूत्र में पूर्णांक यूज करके। और यहाँ पर की दूरी भी 3.23 की दूरी भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो ये आपको प्राप्त हो गई है। तो आर कोस थीटा आपको प्राप्त हो गया है, इसी आधार पे आप पूरी परिधि की इस 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की परिधि की गणना कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी कि अपने पी बिंदु से लेकर 45 डिग्री मानक अक्षांश रेखा तक की दूरी हमें प्राप्त हो चुकी है। इस रेखा की लंबाई कितनी मिली है हमें 4.57। तो आप ये देखिए किस प्रकार से अपने शंक्वाकार प्रक्षेपी रचना करते हैं। आप एक रेखा ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे, यहाँ से एक दूरी भरकर मानक अक्षांश रेखा इस प्रकार बना देंगे, लेकिन वो दूरी कितनी होगी जो अपने पी बिंदु से 45 डिग्री अक्षांश रेखा तक की दूरी जो पी ए जो हमें प्राप्त हुई है 4.57, ये दूरी प्रकार में भरेंगे और ये इस प्रकार घुमा देंगे। तो अब अपने चाप काट देंगे ठीक है। तो इस प्रकार आप इसके बाद में क्या प्राप्त करना चाहेंगे, तो ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर देशांतरों के बीच की दूरी है ये हमें चाहिए ठीक है। तो ये अपने अंतराल के अकॉर्डिंग मिलती है, तो इसे आगे अपने बढ़ाते हैं इसी को। तो मानक अक्षांश वृत्त पर आप लिख सकते हैं मानक अक्षांश वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी बराबर 2 पाई आर। तो इसके बाद में है 2 पाई आर कोस 45 इंटू अंतराल बटा में 360, यानी कि आपने इसे ये जो हमारी पृथ्वी इसी को क्या है पूरा का पूरा परिधि मान लेना है। और यहाँ पर अगर इस विषुवत रेखा पर अपने परिधि का मान और फिर उसके बाद में देशांतरों के बीच की दूरी निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है पहले कर चुके हैं लिखी विधि में ठीक है, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर अंतराल बटा में 360। 2 पाई आर कुल लंबाई है परिधि की यानी कि भूमध्य रेखा की, और अंतराल जो दिया होगा बटा में 360 पूर्ण वृत्त का एक मान ठीक है। तो आप यह दूरी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोस 45 लगाने का मतलब है कि आप 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के ऊपर प्रत्येक यानी परिधि की दूरी और अंतराल बटा में 360 आपको करना है। तो इसीलिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे 2 पाई आर यानी भूमध्य रेखा कोस 45, भूमध्य रेखा की जगह कौन सी जगह है 45 डिग्री अक्षांश रेखा की ठीक है। अंतराल कितना है 15 डिग्री,
क्वेश्चन में दिया हुआ है, बटा में 360 यानी कि एक वृत्त का मान। तो इसे अपने हल करते हैं, 2 × 22 बटा में 7 × आर, आर का मान इसमें है 4.57, तो यहाँ तक हो गया। फिर है कोस 45 का मान, कोस 45 का मान आपको बुक के लास्ट में अंत में दिया होगा, तो कोस 45 का मान रहेगा 0.7071। तो ये मान आपको बुक के अंतिम जो उसमें कोस थीटा का मान, कोस 45 का मान आपको दिया होगा, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में अंतराल है 15 बटा में 360, ठीक है। तो इसे अपने आगे हल करेंगे, तो 7 × 360 आंसर आएगा 2520। फिर 2 × 22 × 4.57 × 0.7071 × 15 आंसर आया 2132.75। तो इसे आपस में हल करने पर आंसर आया 0.846। तो इन संख्याओं यानी कि 0.846 ये मानक अक्षांश वृत्त आपका ये केंद्र है, ये अपना प्रधान यम्योत्तर यानी कि प्रधान देशांतर रेखा है, ठीक है, मध्यान रेखा है, केंद्रीय मध्यान रेखा। तो केंद्रीय मध्यान रेखा यहाँ से पी बिंदु से पहली दूरी हमें यहाँ से प्राप्त होगी थी मानक अक्षांश की, वो थी 4.57, ठीक है। तो इस ये चाप हमने लगा ही दिया था। फिर ये जो परचाप कटा हुआ है मानक अक्षांश वृत्त, तो इस पर जो देशांतर रेखाएं हैं खींचनी है, इनके बीच की आपस की दूरी चाहिए। यहाँ से जो देशांतर रेखा जाएगी तो इन इस मध्यान सॉरी इस मानक अक्षांश वृत्त के ऊपर आपस में कितनी दूरी पर ये रेखाएं खींच यानी कि काट के जाएगी यहाँ से। तो इसके लिए हमें दूरी निकली है 0.846। तो आपस में 0.84 की ये दूरी अपने लगा लेंगे। तो अब इसे अपने हल करते हैं कि इस केंद्रीय मध्यान रेखा यानी कि प्रधान देशांतर, प्रधान देशांतर रेखा पर अक्षांश वृत्तों की आपस में दूरी यानी कि अक्षांश वृत्तों के आपस में यानी एक दूसरे के परस्पर दूरी, एक दूसरे से परस्पर दूरी यानी बीच का गैप। तो यहाँ पर यह है केंद्रीय मध्यान रेखा, यह है अक्षांश रेखा प्रधान, लेकिन अब इनके बीच में यहाँ पर और भी अक्षांश रेखाएं आएगी। तो इन अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, इसके लिए अपने सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो है 2πr, 2πr इंटू अंतराल बटा में 360। तो 2πr यानी कि 2 × 22 / 7 × आर का मान है 4.57 × अंतराल आपको दिया हुआ है 15 क्वेश्चन में 15 डिग्री, ठीक है, बटा में 360। यहाँ पर भी वही है लोगा, 7 × 360, तो ये है 2500, 2500 दूरी है ना, 2520, और ऊपर इसे 2 × 22 यानी कि 44 में 4.57 × 15 आंसर आएगा 3016.20। जब इसे आपस में काटा हल किया तो आंसर अपना प्राप्त हुआ 1.196 सेंटीमीटर। तो दो अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो गई है 1.196। अब देखिए अपने प्राप्त हुए उन तीन मानों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है पी बिंदु से मानक अक्षांश वृत्त की दूरी, ठीक है। फिर इसके बाद में इस मानक अक्षांश वृत्त के ऊपर देशांतरों के बीच की दूरी, ये हमें प्राप्त हो गई। फिर इस केंद्रीय मध्यान रेखा के ऊपर अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी, तो ये दूरी भी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब अपने ड्राइंग शीट के ऊपर आपने यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा
देनी है। ऊपर इस बिंदु को P बिंदु कह देना है। जो भी आपका केंद्र है उसे पहले ही आप केंद्र मान लेंगे, बिल्कुल मतलब स्पष्ट केंद्र मान लेंगे, ठीक है। अब आपने अक्षांश रेखा की जो दूरी है वो दूरी है 4.57, तो 4.57 आपने प्रकार, ये देखिए 4.57, ये इतनी दूरी का प्रकार आपने खो लेना है, ये और ये यहाँ से लेकर एक चाप आपने काट देना है। फिलहाल ये चाप ज़्यादा दूरी का ही काटना ताकि आपको किसी प्रकार की आगे समस्या न आए, तो ये अतिरिक्त दूरी का ही लगा देना आप, ठीक है। ये लगा दिया। अब देखिए आपको इस मानक अक्षांश वृत्त के ऊपर आपको दो देशांतरों के बीच की दूरी जो मिली थी 0.92, तो 0.9 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बिल्कुल आपने एक्यूरेट दूरी माप लेनी है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, देखिए 4 लगाने के 3 लगाने। इसके लिए आप इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में है 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्वी, तो आप देखेंगे 15 डिग्री का अंतराल है, तो इस तरफ से 45 से 15 घटाए 30, 30 से 15 घटाए 15, फिर 0, फिर 15, 30, तो ये 45, 1, 2, 3, 0 सेंटर में है, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ रेखाएं आएगी, तो ये चौथी रेखा की जरूरत नहीं है। तो यही जो दूरी आपने इस तरफ मापी है यही दूरी आप इस तरफ भी लगाएंगे, तो 1, 2, 3, तो ये 3 दूरियां आपने इस तरफ भी लगा देनी है। अब इस केंद्र बिंदु से होते हुए यहाँ से इस तरफ रेखा खींच सकते हो, ये चाहे तो आप पहले देशांतर रेखा बना लो चाहे बाद में, ये आपकी इच्छा है। अगर इसे अतिरिक्त खींच दोगे तो फिर ये मिटानी पड़ेगी, इसलिए पहले आप अक्षांश रेखाओं को बना लेंगे तो बेटर रहेगा। तो कोई नहीं, पहले देशांतर रेखा का माप मिल गया है तो हमने इसको बना दिया है, तो बिल्कुल केंद्र पे पॉइंट रख के आप सभी के सभी देशांतरों को बना लेंगे। फिर दूसरा माप आया था वो था केंद्रीय मध्यान रेखा के ऊपर दिशा, ये अक्षांश वृत्तों की दूरी, आपस में दूरी, तो ये है 0, ये 1.19, तो 1.19 का मतलब है कि 1.1 और 9 यानी कि 2 के करीब पहुंच जाता है ये, तो 1.2 से थोड़ा ही मामूली कम चलता हुआ। तो अब यहाँ से आप 45 डिग्री से ऊपर की तरफ 1, 2 कितने लगाने हैं, तो आप वापस से वही प्रक्रिया करोगे। आप क्वेश्चन में देखोगे कितना से कितना था, तो 0 से 70 डिग्री नहीं, 0 से 75 डिग्री नॉर्थ था, तो आप देखेंगे 0, फिर 15 का अंतराल है, 15, 30, 45, 60, तो ये 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाएं, यानी कि 3 इस तरफ 3 इस तरफ, मतलब ये 45 है तो 75 होना चाहिए, 45, 60, 75, 2 ऊपर की तरफ और फिर इसके बाद में ये 45 से इस तरफ कितनी, ये 30, ये 15 और ये 0। फिर आपने इस केंद्र बिंदु पर प्रकार की लोहे की नोक रखनी है, यहाँ पर इसे मापा, ये प्रक्रिया वही है जो आलेख की विधि में आप करेंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप इसे बिल्कुल उसी दूरी के अनुपात में मार देंगे। फिर इसी प्रकार थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है। फिर से फिर प्रकार ये खोला, दूसरी काटे हुए चाप का, ये देखो चाप यहाँ से काट दिया इसके ऊपर, फिर देखिए आपने इसके जितना प्रकार खोलना है फिर इसे भी घुमा देना है, फिर इसके बाद में इसे अगली दूरी का प्रकार खोलना है और इसे घुमा देना है, फिर ये घुमा देना है, तो ये आपका
एक मानक अक्षांश लिख देना, 0 डिग्री, 15, 30, 45। तो ये पूर्वी, 15, 30, 45 ये पश्चिमी, ये 0 डिग्री, ठीक है। तो ना नॉर्थ है ना साउथ है, ये 0 डिग्री पे आप किसी प्रकार का कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये 15, 30, 45 ये आपका मानक मानक अक्षांश इसका आगे लिख देंगे। 45, फिर 60, ये 75, ये पी बिंदु ही आपका नॉर्थ है, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो यहाँ का स्पेस थोड़ा बीच में ज़्यादा होगा, बाकी अक्षांश रेखाएं बिल्कुल समान दूरी के ऊपर होंगी। जो बिल्कुल माप जो है, बिल्कुल मानचित्र बनाओगे इस पे, तो मानचित्र आप देखिए किस प्रकार बना सकते हैं। इस पे आप विश्व का मानचित्र देखेंगे, और विश्व के मानचित्र में आपने ये देखा कि 0 डिग्री और यहाँ पर है 60, 45 डिग्री। तो आपने देखा कि ये लगभग इस तरफ, यहाँ पर इंग्लैंड 45 डिग्री, इसके पास में इंग्लैंड था, फिर यूं यूरोप का कुछ हिस्सा जा रहा है, आपने इस प्रकार देखना है, फिर ये इस प्रकार यहाँ से अफ्रीका शुरू हो गया मान लीजिए, तो ये अफ्रीका का एरिया आ गया। तो आप इसमें जो है वो कच्ची पेंसिल के द्वारा जो भी एरिया आता है उसे भर सकते हो। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये विश्व का ये क्षेत्र है। तो ये देखिए किस प्रकार से अपने अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर प्रक्षेप को विश्व के मानचित्र में बदल सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र आ गया इस प्रकार, तो यहाँ पर भी आपने तो ये आप जो कलर कच्ची पेंसिल होती है उसके द्वारा दर्शा सकते हो। तो विश्व के मानचित्र को इसके ऊपर बना सकते हो। देखिए आप इसी प्रकार विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल बनाता है। पहले विश्व का मानचित्र नहीं, पहले अक्षांश देशांतर रेखाओं को बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर विश्व के जो स्थान जिस रेखा के ऊपर से निकलते हैं उसे वहां पर निरूपित कर दिया जाता है। अभी अपने ध्यान देंगे तो ये मानचित्र पूर्ण नहीं हुआ है जब तक अपने इसे फेर नहीं कर देंगे। बिल्कुल पक्का मानचित्र डायग्राम शीट के ऊपर तब होता है जब उसे अपने इस प्रकार एक ब्लैक पेन की सहायता से इन रेखाओं को बिल्कुल ऐसा कि अपने पेंसिल से जो वर्क किया है इसको लास्ट में आपने ब्लैक पेन से भी इन रेखाओं को जैसे स्केल रख के ये सीधी रेखाओं को और प्रकार में इस प्रकार से पेन जो मार्केट में सिर्फ 2 रुपये मात्र का बिल्कुल ठीक है छोटे साइज का पेन आता है जो इस प्रकार के अंदर सामान्य प्रकार में ढल सकता है। तो इस प्रकार के अंदर ढलने वाले पेन को आप इस्तेमाल करेंगे और फिर आप इसे प्रत्येक प्रत्येक अक्षांश और देशांतरों को, यानी समस्या ये आती है कि अपने वक्र किस प्रकार से खींचें, फेयर कैसे करें। तो आप कई बार मैंने देखा है कि आप सीधे ब्लैक पेन से लिया, ब्लैक पेन यूज़ किया और इस पे क्या है, आपने काफ़ी बार देखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो ब्लैक पेन से ही सीधा फ्री हैंड से ये लाइनें जो है अपने खींच देते हैं। आपकी की मेहनत भी उस आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनों के बीच में छिप जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि ब्लैक पेन जो है वो संकीर्ण बारीक ये ब्लैक पेन प्रकार में डलने वाला मात्र 2 रुपये का मार्केट से आता है, तो आप इसे इसमें डालेंगे और फिर इस प्रकार से प्रत्येक अक्षांश वृत्त के ऊपर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।